हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मज़े में होंगे, मज़े में होने चाहिए। सो गाइस यार, भाई लोग थोड़ा सीन हो गया था, सीन हो गया कि मेरी बाइक होगी सीज़ तो मैंने छुड़ा ली थी, बट उसकी आरसी अंदर हुई है, तो आरसी लेने जाना है, आरसी लेके आना है, और साथ में मैंने जाना है अभी हाई कोर्ट, और मिलते हैं हम आपको अभी हाई कोर्ट तो निकलते हैं। बस साथ में दिखाता हूँ बाइक कहाँ लगी है, और बारिश का बड़ा ज़्यादा मौसम है, बारिश हो रही थी, अभी तक बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सो मिलते हैं हम आपको सीधे बाइक के पास। सो गाइस, ये रही हमारी बाइक, दूसरी वाली बाहर लगी हुई है, और ये रही बेचारी यहाँ पे, आप देख लो जी, आज बारिश है और उसका क्या हाल बना हुआ है, देखिए जी, देखिए। सो गाइस, फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। तो यार भाई, आरसी भी लानी थी, आरसी भी लानी है, और साथ में हम निकलेंगे, इस साइड से जाएंगे, यूनिवर्सिटी वाले रोड से जाएंगे, भूचंद नगर से होते हुए। सो हम भी निकलते हैं रास्ते में। भाई मौसम वगैरह मस्त है, आज सुबह से बारिश हो रही थी, और सुबह बारिश की वजह से मैं लेट हो गया, नहीं तो मेरे को सुबह 9-10 बजे ही निकलना है यार। बोलो पर क्या करूँ, एक तो मेरी बाइक शाह नहीं हो रही, दूसरी वाली और ये अपना राजा, तो अब लेके फिर आया हूँ, तो अभी निकल रहे हैं। वैसे बड़ा मज़ा आ रहा है, मौसम बड़ा कूल है, तो अभी हम आज दूसरे वाले रोड से आए, हाईवे से नहीं आए हैं, तो निकलते हैं, अभी मिलते हैं फिर, मज़ा तो आ ही रहा है, तो देखते हैं। बस ट्रैफिक बहुत सारा है, मिलते हैं हमें आपको। हो गया था कि यार मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरी R15 लेके निकला हूँ, क्या क्या दूसरी बाइक का यार, मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था शायद कि ना उसको मिसिंग हो रही है, तो मिसिंग का सीन ऐसा हो गया कि ना वो आज तो सुबह स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सुबह बारिश बहुत हो रही थी, और बारिश की वजह से शायद उसमें कुछ कार्पोरेटर वगैरह में कुछ घुस गया है, तो वो पूरी बारिश की वजह से ऐसा हो गया कि उसमें ना पानी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो मैं ये बाइक लेके निकला हूँ, सो मैं अभी आ रहा हूँ जानीपुर वाले रोड की तरफ से, तो निकलते हैं, तो मिलते हैं हम आपको आगे रास्ते में। सुबह लोग देख रहे हो इस रोड पर ट्रैफिक कितनी है, ट्रैफिक तो इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ। बस हम निकलते हुए जाएंगे, तो फोन का गुजरने वाले पुल पे बस पहुंचने वाला हूँ। सो भाई गाइस, देखता हूँ मैं क्या हो रहा है, तो देखते हैं, थोड़ा काम से जा रहा था मैं, जा रहा था गुजरने वाले साइड से, होते हुए निकलता जा रहा हूँ। सो भाई लोग, भाई लोग ये लड़की लिफ्ट मांग रही है, सो देखते हैं इसको क्या बात हो गया। सो हाँ जी, मैं आगे जा रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ जी, अच्छा जी, कहाँ पे आपको, कहाँ पे आपको पेपर? मैं आगे जा रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ जी, अच्छा जी, कहाँ पे आपको, कहाँ पे आपको पेपर? मैं आगे जा रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ जी, अच्छा जी, कहाँ पे आपको, कहाँ पे आपको पेपर? अच्छा जी, कितने बजे, कितने? अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सो गाइस सीन हो गया यार इसका ना, लड़की है, मैं आता है। हाँ जी, हाँ जी, मैं उसी जगह जा रहा हूँ। सो भाई लोग, सीन ये हो गया कि ना लड़की मिली है सारी रास्ते में, इसका एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम सारी ने देना था, तो एग्ज़ाम देना था इसका, गोरिया भी कुछ इशू हो गया इसका, उसी साइड एग्ज़ाम, मेरी भी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, मैंने कभी किसी लड़की को ऐसे बैठाया ही नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, उसको लेना चाहिए वहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए? तो यार बेचारी लिफ्ट मांग रही है, क्या है कि ना इस साइड से कोई गाड़ी भी नहीं चलती है, तो छोड़ देते हैं, छोड़ना चाहिए। सो देखते हैं, छोड़ आते हैं इस बेचारी को वहाँ पे, बाकी वगैरह लोग अपना यू चेक करिएगा क्या की बात है, यू देखिएगा, बाकी इससे बात तो करेंगे, मेरे को ना बात भी बड़ी तेज हो रही है, कि क्या ही बात करें इससे, मैंने कभी लड़की से इतनी बात करी भी नहीं है, तो बात तो करनी ही पड़ेगी, कि कौन है, कहाँ से है, तो क्या किस चीज़ का पेपर है, तो बात करते हैं, से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो पूछते हैं ऐसे क्या बोलते हैं। तो आप कहाँ पे रहते हो?
हाँ जी अच्छा जानीपुर रहते हैं जी। तो भाई लोग अब सुन रहे हो, इसका ना एक्चुअली इसका पेपर था तो इसको लगा कि पेपर यहाँ पे है जम्मू यूनिवर्सिटी में, और इसका पेपर ना वहाँ पे अमूठी में कोई कॉलेज है वहाँ पे है। तो अब इसको यहाँ से तो गाड़ी तो कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी चलती नहीं है, तो ये बेचारी यहाँ पे है। तो ये है इसका, ये सीन हो गया भाई। तो इसकी बेचारी की हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी, तो गाड़ी तक वहाँ तक छोड़ आते हैं कॉलेज से। तो मुझे तो लगता नहीं है कि गाड़ी मिलेगी, क्योंकि ना तो आपको पता ही, मैं हाई कोर्ट जा रहा था, क्यों ना मैं इसको छोड़ दूंगा जानीपुर में, तो इसको छोड़ देंगे। इसका भाई लोग नाम नहीं पूछा है, नाम पूछ लेते हैं। नाम क्या है मैडम का? आपका नाम क्या है? माही नाम है सर जी। मेरा आमिर नाम है जी। सो भाई लोग हार्ट बीट ना बहुत तेज हो रही है, हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है ना, मतलब किसी लड़के को बिठाया नहीं है तो मतलब बात तो भी नहीं हो पा रही है इससे अच्छे से कि क्या बात करूँ। मतलब ना दिल के ना धक धक हो रहा है कि यहाँ करूँ, मतलब इसको छोड़ देते हैं बेचारी को, अभी इसको नीड है तो छोड़ देते हैं। बाकी से बात करते हैं कि ब्लॉग्स वगैरह देखते हो आप, नहीं देखते हैं पूछते हैं। आप ब्लॉग्स वगैरह देखते हो? अच्छा जी, ब्लॉग्स तो देखती है। अच्छा भाई लोग इसको पूछते हैं पेपर की टाइमिंग क्या है, तो पेपर की टाइमिंग के पूछ लेते हैं। हाँ ट्रैफिक ट्रैफिक तो है। पर कितने बजे आपका? अच्छा ओके, फॉर्म, अच्छा अच्छा फॉर्म फिल करना था आज। अब आपका पेपर है आज क्या? फॉर्म फिल करना, अच्छा जी अच्छा जी। इसको ना एक्चुअली फॉर्म फॉर्म भाई लोग इसको ना एक्चुअली फॉर्म फिल करना था यार, तो इसको फॉर्म फिल करना है, इसकी लास्ट डेट है आज, इसीलिए इसको जाना है वहाँ पे। तो इसको बेचारी को जल्दी जाना है, मेरे को लगा पेपर है इसका, बट इसका पेपर नहीं, इसका फॉर्म फिल करना है। मैंने इसको अभी पूछा तो छोड़ देते हैं वहाँ पे जल्दी जल्दी। सो भाई लोग हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जानीपुर वाले रोड पे, तो अभी यहाँ पे भी गाड़ी कोई मिल नहीं रही है। और यार इस पैसे कैसे छोड़ दें बेचारे को, क्या है ना वो बड़ा है, लेट हो रही है ये, तो 4 बजे इसका वो बंद हो जाएगा शायद, वो बंद हो जाएगी वो, तो नहीं फिर पहुँच भी पाएगी नहीं पहुँच जाएगी, तो इसलिए मैं इसको। सो भाई लोग अगर आप जानीपुर आए हैं तो देख ही रहे हो यार भाई लोग कि जानीपुर आए हैं और वहाँ पे ट्रैफिक ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। जो जम्मू वाले भाई होंगे उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे कैसा ट्रैफिक है। और यार भाई लोग थोड़ा सीन ये था कि ना मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल ये बोल रहे थे, फ्रेंड सर्कल क्या भाई लोग सब बोल रहे थे कि ना माइक का बड़ा इशू हो रहा है, आपका माइक का बड़ा इशू हो रहा है, माइक की वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हाँ यार सही में माइक की वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो अभी मैंने माइक नया लिया है। आई होप आप माइक आपको आपकी वॉइस अच्छी आएगी, क्लियर आएगी और साथ में मज़ा भी आएगा। तो मैं अभी निकला हूँ यहाँ से, मैं अभी जानीपुर ही जा रहा हूँ, तो यार इस बेचारी लड़की को जल्दी जल्दी काम में पहुँचाना है। सो देखते हैं कैसा मज़ा आता है, क्या होता है भाई लोग। ट्रैफिक इतना लंबा है ना कि 10 मिनट का रास्ता भी ना आधे घंटे में कवर नहीं हो पाता, क्योंकि ना ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है इस रोड पे, क्योंकि रोड सिंगल रोड है यार, तो सिंगल रोड में बहुत ज़्यादा सिस्टम हो जाता है। और सो भाई लोग यार मेरे को ना यहाँ पे शॉर्टकट गलियाँ पता थी, तो जिसकी वजह से मैं इसको यहाँ लड़की को बेचारी को लेकर आ गया। मैं इस लड़की को ना यहाँ से लेके आ गया शॉर्टकट में, जो गली से पड़ी थी, क्योंकि ना इसको जल्दी आना था, जल्दी आने के चक्कर में ना इसको यहाँ पे मैं ले आया हूँ बेचारी को। तो देखते हैं बेचारी का ना वो हो जाए फॉर्म फिल हो जाए यार बेचारी का, किसी की स्टडी का फ्यूचर पे मसला है। सो उससे बात करते हैं हम। हाँ, मैं ना ब्लॉगिंग करी है मैंने स्टार्ट, अभी थोड़ा टाइम हुआ यार। मेरे चैनल का नाम आमिर जेके ब्लॉग के नाम से है जी। अच्छा जी अच्छा जी, आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? अच्छा जी, हाँ
हम मैंने भी थोड़ा टाइम हुआ स्टार्ट करे हुए थे। हाँ जी हाँ जी अच्छा जी। मैं मुझे राइटिंग वो बहुत पसंद है इसको बेचारी को, तो क्यों ना इससे हम थोड़ी बात करें, देखते हैं क्या होता है। बट ना दिल हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो रही है, तो कॉलेज इसका एम भी था, तो ये बसेस दिख रही हैं आपको स्कूल वाली, इसी साइड है। बेचारी का पेपर होगा यहाँ पे और फॉर्म फिल होएगा, तो भाई लोग हार्ट बीट ना बड़ी तेज़ हो रही है। बताऊँ क्या आपको, मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, बस अब बताना नहीं जाता ना कि क्या हो रहा है। मतलब पहली बार लड़की को किसी को बिठाया ना, तो मतलब बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। बट यार क्या करूँ, उसको बेचारी को थोड़ी नीड थी, इसलिए उसको हेल्प के लिए मैंने इसको लिफ्ट दे दिया। तो देखते हैं क्या होता है, थोड़ी सी बात बातें करते हैं इससे। वैसे तो है क्यूट है बेचारी, तो देखते हैं। बाकी इसको राइडिंग रोइडिंग का बड़ा शौक है, बोल रही थी जी। अब इसका कॉलेज पता नहीं यहीं पे कहीं है, तो जहाँ पे फील करना है मेरे को भी नहीं पता है, तो इसको भी ज़्यादा पता नहीं है, तो पूछता हूँ उसको। कहाँ पे है वो, कहाँ पे, ये वाला सामने के भाई लोग, ये रहा उसका कॉलेज का गेट। बट जी नहीं नहीं थैंक यू वाली कोई बात नहीं यार, आपको हेल्प की जरूरत थी तो मैंने कर दिया हेल्प। मैं वेट कर रहा हूँ आपको, कोई ना आप जाइए अंदर, आप देख लो अगर हो पाता है फिल तो ठीक है, नहीं होता तो मैं यहीं हूँ, ठीक है। कोई ना आप वेट, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। सो गाइस लड़की चले गई अंदर, मैं थोड़ी बाइक लगाता हूँ साइड पे, तो देखता हूँ मैं तब तक वेट कर रहा हूँ, तो मैं वो जब तक आ जाती है तब तक मैं उसका वेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं। तो सो देखते हैं क्या बोलती है लड़की, आ गई पूछते क्या हो गया फॉर्म फिल। अच्छा जी, तो अभी कहाँ जा रहे हो आप। अच्छा जी, घर कहाँ के आपका, किस साइड है घर, घर कहाँ पे आपका। अच्छा जी, जानीपुर जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी आप मेरे साथ चलोगे राइड पे, थोड़ा हम थोड़ा कहीं पे चलते हैं, घूम लेते हैं थोड़ा। घूम लेते हैं ना। अच्छा जी, मैं ये मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो क्या मैं इसको ब्लॉग में वीडियो उसमें डाल सकता हूँ, क्यों अगर आपको कोई इशू ना हो तो, क्योंकि डाल सकता हूँ ना मैं आपका। जी 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 थैंक यू, क्योंकि ना पूछना ज़रूरी होता है कि। चलो ठीक है चलते हैं थोड़ा जी। क्या हुआ। सो भाई लोग, ये एक्चुअली लड़की ना कैफे के लिए मान नहीं रही थी, तो बोलती कि 2 मिनट पार्क में बैठते हैं, तो पार्क में बैठते हैं इसके साथ, थोड़ी सी बात करते हैं क्या बोलती है, तो पूछते हैं। चलो चलो आ जाना, आते हैं पार्क में बैठते हैं 2 मिनट, देखते हैं क्या बोलती है जी। सो अभी आ ही रहे हैं हम। बारिश तो थी आज, क्या करें, बारिश तो थी सुबह से आज बहुत ज़्यादा। चलो बैठते हैं 10 मिनट, ठीक है, फिर उसके बाद आप भी चले जाना, मैं भी चले जाऊँगा, ठीक है। सो भाई लोग बैठते हैं यहाँ पे 2 मिनट, बात करते हैं इससे क्या बोलती है। सो भाई पहले भैया से कुछ लेते हैं। भैया स्कैनर होगा ना आपके पास, क्या लोगे आप बताओ, बताओ क्या लोगे आप, खा लो। नहीं 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 बताओ बताओ क्या लोगे, जो आप मंगाओगे। शेक्स हो गए भैया, और हॉट फरी कोल्ड काफ़ी वगैरह कुछ, कोल्ड काफ़ी होएगी। आप क्या लोगे, मैंने तो कॉफ़ी, मैं तो कोई भी, मैं हॉट नहीं, नहीं नहीं आप कुछ और दे दो यार, क्या लोगे, बर्गर आप खाओगे, नहीं बताओ बताओ, सेम सेम खाएंगे। हाँ तो आप चॉइस करो क्या लोगे, हॉट कॉफ़ी वाले जी भैया, ठीक है मैं खाने के बाद हॉट कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है। भैया भैया कुछ लेते हैं जी।
सो भाई लोग कॉफ़ी आ गई है, कॉफ़ी आ गया सो गाइस देखो चाय इन्होंने खुद ही पकड़ ली है, हमारे गेस्ट हैं बट देखो चाय इन्होंने खुद ले लिया, तो बोलते हैं कि पार्क में बैठ के पीनी है तो यहाँ पे पीते हैं तो फिर देखते हैं। ठीक है ये रही हमारी कॉफ़ी जिसकी इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। सो भाई लोग चलते हैं वापस, उठ कर ला गई है सो इसको छोड़ते हैं घर, तो हम निकलते हैं वापस, निकलने से पहले पहले उनसे आईडी या फिर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, देखते हैं क्या देते हैं, कुछ नंबर मांगना चाहिए। सो आ जाओ देखते हैं क्या होता है। चले अच्छा मेरी बात सुनो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल सकता है अगर हमें फिर से दोबारा मिलना हो तो, और या फिर कुछ आईडी वगैरह कुछ। हाँ मैं अपनी आईडी देता हूँ आपको, तो फिर हम जब मिलेंगे तो फिर हम कर लेंगे। ठीक है आमिर जेके ब्लॉग के नाम से मेरी आईडी है। ठीक है आमिर जेके ब्लॉग के नाम से मेरी आईडी है तो उस पर हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है सो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है फिर हम मिलते हैं ना, बाय, थैंक यू। सो भाई लोग यार लड़की को छोड़ दिया भाई, बड़ी मुश्किल से हार गई, बट हाँ भाई आईडी मिल गई है तो देखो क्या होता है यार। सो भाई लोग दिन तो अच्छा निकल गया, हाई कोर्ट से भी होके आ गया तो ये ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ब्लॉग का कहते हैं। सो गाइस अगर आप अपने फ्यूचर वेल को फिर से ब्लॉग में देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आते करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो बाय बाय।